हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में कितने रन्स स्कोर किए वो यहाँ पर हमें दिया गया है। और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मीन स्कोर। हमें ये जो स्कोर दिए गए हैं, हमें इस डेटा का मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में हमें चाहिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशंस मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको इस डेटा में दे रखी हैं, आप यहाँ न्यूमरेटर में इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है अब हम चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपॉन में आएगा 8। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 400। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 400, अपॉन में जो ये 8 है ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में है 400 और डिनोमिनेटर में है 8। 400 और 8 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को 8 से काटेंगे। देखिए, 8 वंदा 8 एंड 8 5 द 40 होता है। तो 8 5 द 40 से 40 कट गया, बचा क्या? 0। ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हमने 400 को 8 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 50। तो हमारा मीन कितना आ गया है? 50/1। और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो मीन इज इक्वल टू 50। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं, हैंस द मीन स्कोर इज 50। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।